Sri Chaitanya Nityananda Samavita Gauravdaya Pushpanda Chitra Chandra Tamayuta Panchatatvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhartala Dharva Bhaktakya Namami Bhakta Shaktikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaya Dharadhar Shiva Sarimpaar Bhaktakya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. तो हम सब लोग जयपुर की यात्रा में हैं हम लोग और जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है. यहाँ पर जैसे पुजारी जी बता रहे थे वृंदावन के करीब करीब सारे मुख्य जो विग्रह हैं वो यहाँ पर लाए गए थे औरंगजेब के डर से. भगवान की लीला थी, भगवान यहाँ पर राजस्थान के भक्तों की सेवा लेना चाहते थे. भगवान ने ऐसा प्रपंच किया कि भगवान वृंदावन से उठकर जयपुर में आ गए. तो जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है. यहाँ पर राधा गोविंद देव जी के विग्रह हैं, गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, राधा दामोदर के विग्रह हैं, राधा वृंदावन चंद्र हैं, राधा विनोदी लाल हैं, फिर कानन कनक घाटी के पास में राधा माधव हैं, और फिर आपके करौली में मदन मोहन जी. जैसे पुजारी जी बता रहे थे कि वृंदावन में अभी एक राधा रमन जी और राधा श्याम सुंदर मुख्य विग्रह रह गए हैं वहाँ पर जो ओरिजिनल हैं. उनके अलावा वृंदावन में श्री राधा गोकुलानंद जी हैं, उनके मूल विग्रह वहीं पर हैं. सो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जयपुर में आके हमें भगवान के विग्रह का दर्शन करने को मिला, हमें गोविंद देव जी की आरती मिल गई. यहाँ पे श्री राधा दामोदर वृंदावन चंद्र की आरती हमें देखने को मिल गई. तो जो आगे विग्रह हैं वो राधा दामोदर जी हैं, और दामोदर भगवान के दाहिनी ओर ललिता सखी हैं, और पीछे की ओर जो बड़े डेटीज हैं वो राधा वृंदावन चंद्र हैं. राधा वृंदावन चंद्र की जो सेवा है वो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज किया करते थे, और राधा दामोदर जी की सेवा जो है वो श्रीला जीव गोस्वामी करते थे. और श्रीला जीव गोस्वामी को राधा दामोदर के विग्रह स्वयं रूपा गोस्वामी ने अपने हाथ से घड़ के उनको दिए थे सेवा करने के लिए सन 1542 के अंदर. ये 1542 की बात है. 1542 में रूपा गोस्वामी ने ये विग्रह दिए थे जीवा गोस्वामी को सेवा करने के लिए. तो एक बहुत ही महान भक्त थे भगवान के कुमार देव, और उनकी पत्नी का नाम था रेवती दासी. तो कुमार देव और रेवती दासी की अनेक संतानें थी, लेकिन उसमें तीन संतानें जो हैं वो श्रेष्ठतम उनकी संतानें थी. उनके चेहरे से, उनके शरीर से चमक निकलती थी उनके. और वो तीन संतानें थी श्रीला रूपा गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी और अनुपम. तो ये क्या हो रहा है, आवाज़ बंद करो ना तुम. तो रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, और इनके जो भौतिक नाम थे वो अमर, संतोष और श्रीवल्लभ थे. श्रीला रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर एक प्रधानमंत्री थे और एक वित्त मंत्री थे. एक्चुअली मैं नवाब हुसैन शाह को किसी ने सलाह दी थी कि अगर आप हिंदुओं
के ऊपर शासन करना चाहते हो तो आपको ये रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनको आपको अपने नौकरी में रखना पड़ेगा। अगर आपने इनको नौकरी में रख लिया तो फिर जितने भी हिंदू हैं वो आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारे हिंदू वो रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुयायी थे। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर रामकेली एक जगह है, रामाकेली, वहाँ पर रहते थे। और उन्होंने एक भवन बनाया हुआ था, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो जो भवन है उसकी शोभा इतनी ऐसी शोभा थी कि वहाँ पर जब वो सारे वैष्णवों के साथ मिलकर भागवतम पर चर्चा करते थे तो ऐसे लगता था देवी देवताओं के बीच में इंद्र स्वयं बैठे हुए हैं, इतने प्रकाशमान रहते थे। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी शुरू से ही दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहते थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कई चिट्ठियाँ लिखी उन्होंने, और उन चिट्ठियों में उन्होंने प्रार्थना की कि प्लीज़ आप इस भौतिक स्थिति से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बताइए कि हम भगवान की शरण कैसे ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर नहीं दिया उनकी चिट्ठियों के। काफ़ी समय के बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक चिट्ठी का उत्तर दिया था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि आप एक उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार कीजिए। जैसे एक उल्टा स्त्री अपने घर में रहती है और अपने पति और अपने परिवार की अच्छे से सेवा करती है लेकिन सोचती प्रेमी के बारे में, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये निर्देश दिया था कि आप जिस पद पर हो उसी पद पर बने रहो, अच्छे से सेवा करो, लेकिन अपने प्रेमी भगवान कृष्ण के बारे में निरंतर अपने हृदय में सोचते रहो। तो ये तीनों भाइयों ने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और अनुपम ने, तीनों इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इस निर्देश का पालन किया और अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहे और अपने कर्तव्यों का भी अच्छे से निर्वाह करते रहे। चैतन्य महाप्रभु इन दोनों पर दया करने के लिए, तीनों पर, विशेष रूप से जब वो वृंदावन के लिए गए थे दूसरी बार, तो पूरी से वृंदावन के रास्ते में रामाकेली आता नहीं है, लेकिन वो स्पेशली रामाकेली गए रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में हजारों भक्त थे और सारे लोग जोर जोर से हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, और इन्होंने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पाए। नवाब हुसैन बहुत ही जालिम टाइप का आदमी था, बहुत ही क्रूर था स्वभाव से। तो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भय था कि ये जो नवाब हुसैन है ये चैतन्य महाप्रभु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो इसीलिए ये तीनों भाई मिलकर रात के अंधेरे में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, और चैतन्य महाप्रभु को देखकर दूर से ही अपने गले में पट्टा बांधकर और अपने दांतों में तिनका दबाकर दूर से ही प्रणाम किया, और पहले जाकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिले ये तीनों भाई। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को लेकर गए चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो दूर से ही प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इधर आओ। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते हम नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे मेरे सामने? बोल रहे हमें बहुत लज्जा आ रही है, हम इतने दुष्ट हैं, हमारे मन में इतने पाप छिपे हैं, आपके सामने आएंगे आप हमारे मन की गंदगी देख लोगे, हमें बहुत शर्म आ रही है इस बात से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मत दिखाओ इतनी इतनी विनम्रता, मेरा हृदय फटा जा रहा है तुम्हारी विनम्रता को देख के, मेरे पास आओ। तो तीनों उनके पास गए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल
इन तीनों भाइयों के सिर पर रखती है, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, और इनको ये आध्यात्मिक नाम इनको प्रदान किए। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तुम तीनों तो मेरे बहुत पुराने सेवक हो, मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुमसे आकर मिलूँगा। तो उस समय रूपा गोस्वामी ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु को कि आप प्लीज़। दो बातें उन्होंने कही थी रूपा गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को। उन्होंने पहली बात बोली कि आप प्लीज़, ये जो नवाब हुसैन है बहुत क्रूर आदमी है, अभी ये आपसे प्रभावित है लेकिन अचानक इसका दिमाग घूम जाएगा, कुछ भी अनिष्ट कर सकता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर ज़्यादा देर मत रुकिए, आप यहाँ से चले जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसको ताकत कहाँ से मिल रही है कार्य करने की? इसको ताकत मुझसे ही मिल रही है, तुम चिंता मत करो, ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा तो क्या, मेरे साथ किसी भी जो मेरे साथी हैं उनका ये बाल भी बांका नहीं कर सकता। रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको दूसरी प्रार्थना की कि आप वृंदावन जा रहे हैं, आपके साथ में हजारों लोग चल रहे हैं, और जो भी लोग चल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर भी पैर रखते थे वहाँ की सारी मिट्टी वो खोद के लोग खा जाते थे, अपने सिर पर धारण करते थे, तो पूरे रास्ते में गड्ढे हो गए थे, आसपास के सारे पेड़ उखाड़ लेते थे उन्मत्त होकर जो महाप्रभु के पार्षद थे। तो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि आप वृंदावन जा तो रहे हो लेकिन अगर आप अकेले जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से वृंदावन की ओर ना जाकर रामकेली से कनाई नाटशाला की ओर चले गए, और कनाई नाटशाला जाकर चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि सारे अन्यायी पूरा रास्ता उजाड़ देते हैं, सारे पेड़ पौधे तोड़ देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो दोनों भाई ठीक कह रहे थे, मैं यहाँ से भी वापस जाता हूँ, फिर अकेले पूरी से वृंदावन की यात्रा करूँगा। और चैतन्य महाप्रभु कनाई नाटशाला से ही वापस पूरी की ओर चले गए थे। तो जब रामकेली में चैतन्य महाप्रभु मिले थे रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से, तो रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना की थी कि प्लीज़ आप इस भौतिक संसार से हमारा मोचन कीजिए, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जीवन, चैतन्य महाप्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी कृपा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, जबकि स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा यही बात बोली कि कृष्ण की दया से, कृष्ण की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो रूपा गोस्वामी और अनुपम ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी की ओर चल पड़े। नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी अपनी, और जब ये पुरी गए वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, पुरी जाते से पहले बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको 10 दिन तक अश्वमेध घाट पर उनको शिक्षा प्रदान की थी। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जो मैंने तुम्हें आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की है, इसके आधार पर तुम अनेक शास्त्रों का की रचना करो। रूपा गोस्वामी और अनुपम ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला, देखो मेरा सिद्धांत यह है कि साथ रहने से अधिक महत्वपूर्ण सेवा करना है, मेरा सिद्धांत विरह में सेवा का है, तो आप विरह में सेवा करो। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी और अनुपम को छोड़कर चले गए, पीछे मुड़के भी नहीं देखा। रूपा गोस्वामी और अनुपम दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु चलते चले गए, और फिर रूपा गोस्वामी और अनुपम दोनों वृंदावन गए, और वृंदावन जाके, और चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, जीवा गोस्वामी एक ही परिवार के थे,
जीवा गोस्वामी जो है वो रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैंने वृंदावन सौंप दिया है तुम्हारे परिवार को, वृंदावन तुम्हारी संपत्ति है, तुम जाके संभालो, और तुम्हें सेवा दे रहा हूँ कि जितने भक्त आएंगे बंगाल से उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, पहली सेवा। दूसरी सेवा है अपने आचरण के द्वारा वैष्णव सदाचार को, वैष्णव सदाचार का सिद्धांत का आदर्श स्थापित करना। तीसरी सेवा है कि वहाँ पर जो मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है उसके आधार पर तुम वैदिक शास्त्रों की रचना करना। और चौथी सेवा चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी थी कि तुम वहाँ जाओगे वृंदावन में, समय के प्रभाव से भगवान कृष्ण की जो लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई हैं, भगवान के विग्रह लुप्त हो गए हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके खोजो। और रूपा गोस्वामी अनुपम के साथ गए थे और उन्होंने बहुत सारे भगवान के विग्रह ढूंढ लिए थे, लेकिन उनको श्री राधा गोविंद देव जी के विग्रह उनको नहीं मिल रहे थे, बहुत चिंता में थे वो, और जगह जगह जाके ढूंढ रहे थे, पूरे ब्रजवासियों के घरों की तलाशी ले ली थी, फिर भी उनको विग्रह नहीं मिले। तो भगवान उनके स्वप्न में आए और भगवान ने उनको बोला कि ब्रह्मकुंड के पास गोविंद गोमती टीला है, वहाँ पर उस टीले पर एक गाय आती है और रोज़ बिना कहे उस स्थान पर, एक विशेष स्थान पर अपना दूध गिरा कर चली जाती है बिना धोए, उसी स्थान पर आपको गोविंद देव जी के विग्रह प्राप्त होंगे। तो जब रूपा गोस्वामी को ये बात पता चली तो सारे ब्रजवासियों को लेकर गए वहाँ पर, वहाँ पे उन्होंने गाय को देखा जो वहाँ पर दूध गिरा रही थी, और उन्होंने उस स्थान को सावधानी से साफ किया तो वहाँ पर उनको श्री गोविंद देव जी के विग्रह उनको प्राप्त हुए। श्री गोविंद देव जी की। तो जब गोविंद देव जी के विग्रह प्राप्त हुए तो रूपा गोस्वामी ने पत्र लिखकर चैतन्य महाप्रभु को पूरी में सूचना दी कि विग्रह मिल गए गोविंद देव जी के। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु ने उनके सेवक थे काशीश्वर मिश्र, काशीश्वर मिश्र और गोविंद ये दोनों शिला ईश्वरपुरी के शिष्य थे, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, और शिला ईश्वरपुरी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले इन दोनों को आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और जाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। तो वो दोनों आए और पुरी में आकर चैतन्य महाप्रभु को मिले तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत संकोच हो रहा था कि मैं अपने गुरु भाइयों को कैसे अपनी सेवा में लगा सकता हूँ। तो उस समय जो जितने भी वहाँ पर वरिष्ठ वैष्णव थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, परमानंद पुरी, इन सब ने बोला कि जितने भी शिष्टाचार हैं उन सबसे सर्वोपरि गुरु की आज्ञा है, अगर गुरु ने आज्ञा दी है कि ये दोनों को आपकी सेवा करनी चाहिए तो आपको गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इन दोनों को अपनी सेवा में आप नियोजित कर लो, इससे कोई भी शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होगा बल्कि शिष्टाचार की स्थापना होगी इससे। तो चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर मिश्रा और गोविंद को अपनी सेवा में नियोजित कर लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु को समाचार मिला कि गोविंद देव जी के विग्रह प्राप्त हो गए हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर मिश्र को बुलाया और उनको बोला कि आप जाओ और जाकर आप गोविंद देव जी के विग्रह की वहाँ पर सेवा करो। काशीश्वर मिश्र ने बोला नहीं नहीं मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता, मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस वही बात समझाई कि देखो विरह में सेवा संभोग में सेवा से ज़्यादा श्रेष्ठ है, सेवा महत्वपूर्ण है, वपु संग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हें ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, ज़्यादा तुम मुझे सुख प्रदान कर पाओगे। काशीश्वर मिश्र के दुख को कम करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से एक विग्रह प्रकट किए, गौर गोविंद देव जी के विग्रह, स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। जब आपने गोविंद देव जी के दर्शन किए होंगे उनके
गोविंद देव जी के विग्रह के दाहिनी ओर आपने छोटे से विग्रह देखे होंगे, वो गौर गोविंद देव जी के विग्रह हैं। वो पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले विग्रह थे, वो पहले विग्रह हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो वो विग्रह लेकर काशीश्वर पंडित जो हैं, काशीश्वर मिश्र, वो यहाँ पर आए थे, साथ में गुंजमाला भी लाए थे। और चैतन्य महाप्रभु के कंठ में एक शालिक, एक गोवर्धन शिला उनके कंठ में धारण करते थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से हमेशा भीगी रहती थी वो गोवर्धन शिला। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने भावामेश में आकर उसको भीचा, उस गोवर्धन शिला को, तो चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान उस पर अंकित हो गया था। ये शिला आपको आज भी, आप इसके दर्शन कर सकते हो वृंदावन में गोकुलानंद जी के मंदिर में। वहाँ पे अगर आप पुजारी जी को प्रार्थना करो तो आपको वो शिला जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान है, आज भी आप उसके दर्शन कर सकते हो। तो काशीश्वर मिश्र यहाँ पर आए और गोविंद देव जी की उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। भगवान का गुणगान, भगवान के भक्तों के गुणगान के बिना अधूरा रहता है। गोविंद देव जी की प्रसन्नता के लिए अगर हमने रूपा गोस्वामी जी की अगर हमने प्रशंसा नहीं की तो उतना सुख गोविंद देव जी को प्राप्त नहीं होगा, उतना सुख उनको नहीं मिलेगा। अगर हम रूपा गोस्वामी जी की बात करें तो रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी बाद में आकर मिल गए थे। कैसे आकर मिले थे वो मैं आपको करौली में बताऊंगा, मदन मोहन जी के मंदिर में उनके विग्रह के सामने बैठ के। अनुपम जो है उन्होंने भगवान के विरह में अपना शरीर पहले छोड़ दिया था और रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यहाँ पर रह रहे थे और भगवान की सेवा में लगे हुए थे। रूपा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की और एक बार रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ बैठकर श्रीमती राधा रानी के रूप के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने एक श्लोक पढ़कर सुनाया और उस श्लोक का अर्थ ये था कि जो श्रीमती राधा रानी की जो चोटी है वो काले सर्प के समान है। जब सनातन गोस्वामी ने ये बात सुनी तो सनातन गोस्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप कैसे आप श्रीमती राधा रानी की चोटी की तुलना आप एक सांप से कर सकते हो। लेकिन सनातन गोस्वामी ने रूपा गोस्वामी को कुछ बोला नहीं और गोवर्धन पर्वत पर चले गए। वहाँ पर स्नान कर रहे थे तो स्नान करते समय उन्होंने दूर से देखा तो एक झूला था, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची झूला झूल रही थी और उसके गले में सांप लटक रहा था। तो सनातन गोस्वामी ने दूर से चिल्ला के बोला, ओ लाली तुम्हारे गले में सांप है। तो जो छोटी सी बच्ची थी वो सनातन गोस्वामी की ओर देखकर मुस्कुराई और वहाँ से दौड़ गई। और जब वो दौड़ रही थी तो जो सांप जिनको समझ रहे थे सनातन गोस्वामी ने देखा कि वो सांप नहीं है, एक्चुअली में वो चोटी है। तो सनातन गोस्वामी को तुरंत अनुभव हो गया कि वास्तव में जो रूपा गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की चोटी की जो उपमा दी है सर्प के साथ में, उसमें कोई अतिशयोक्ति या कुछ खराब बात नहीं है। रूपा गोस्वामी जब जीवा गोस्वामी आए सब कुछ छोड़कर वृंदावन, तो पहले उन्होंने सनातन गोस्वामी की शरण ली और जीवा गोस्वामी ने बोला सनातन गोस्वामी को कि आप प्लीज़ मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे सेवा में लगाइए। लेकिन सनातन गोस्वामी ने बोला कि नहीं, तुम्हें दीक्षा देने का जो योग्य व्यक्ति हैं वो रूपा गोस्वामी है। तो सनातन गोस्वामी ने जीवा गोस्वामी को भेज दिया रूपा गोस्वामी के पास और जीवा गोस्वामी वहाँ पर रूप गोस्वामी की सेवा करते थे, बहुत ही जिसे कहते हैं विनम्र सेवा करते थे। वहाँ पर एक साल तक सेवा करते रहे श्रीला रूप गोस्वामी। जिस पत्तों पर ग्रंथों की रचना करते थे वो पत्तों को तैयार करते थे, उनको सुखा कर लिखने लायक बनाते थे।
रूपा गोस्वामी की व्यक्तिगत सेवा करते थे, वो लिखने की स्याही लेकर आते थे। ऐसे एक वर्ष तक जीवा गोस्वामी सेवा करते रहे रूप गोस्वामी की, और फिर एक वर्ष के बाद रूपा गोस्वामी ने दीक्षा दिया जीवा गोस्वामी को। तो रूपा गोस्वामी ग्रंथों की रचना कर रहे थे और वहाँ पर उनको श्री वल्लभ भट्ट आकर मिले, जो वल्लभाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रूपा गोस्वामी ने बहुत ही विनम्रता के साथ रूपा गोस्वामी ने उनको अपना एक ग्रंथ दिया और उनको बोला, भक्तिर सामित सिंधु उनको दिया और उनको बोला कि प्लीज़ आप इसको पढ़ के इसमें अगर कुछ गलती है तो आप इसका सुधार कीजिए। रूपा गोस्वामी उनको अपना ग्रंथ दे रहे हैं कि आप इसमें से गलती सुधारिए। तो वल्लभाचार्य जी ने वो ग्रंथ को पढ़ा और वो वापस गए रूपा गोस्वामी के पास और उनको बोला कि आपका ग्रंथ वैसे तो ठीक है लेकिन एक जगह आपने गलत लिख दिया है। तो रूपा गोस्वामी ने पूछा क्या गलत लिख दिया है। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि जो आपने श्लोक लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, आपने भुक्ति को, आपने भोग की वांछा को, काम वासना को आपने पिशाची से, चुड़ैल से आपने उसकी तुलना कर दी, समझ में आ रहा है, लेकिन आपने मुक्ति की तुलना पिशाची के साथ कर दी, वो मुझे गलत लग रहा है। रूपा गोस्वामी कुछ नहीं बोले, उन्होंने बोला आपकी बात ठीक है। और जब वल्लभाचार्य उनको ये बताकर बाहर निकल रहे थे तो जीवा गोस्वामी ने उनको पकड़ लिया और जीवा गोस्वामी ने बोला कि आप जो श्लोक मेरे गुरु को बोल रहे थे वास्तव में वो गलती नहीं है। अगर आप उस श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस श्लोक में भुक्ति और उसमें उस श्लोक में मुक्ति को पिशाची नहीं बोला, मुक्ति की इच्छा को पिशाची बोला है। जीवा गोस्वामी ने बोला कि मुक्ति पिशाची नहीं है, मुक्ति की स्पृहा, उसकी जो इच्छा, अगर इच्छा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है मुक्ति की तो वो पिशाची के समान है। वल्लभाचार्य ने बोला आप ठीक कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, मैं समझने में गलती कर गया था, आप सही कह रहे हो। ये कहकर वल्लभाचार्य जी वहाँ से चले गए। रूपा गोस्वामी ने जीवा गोस्वामी को बुलाया और उनको बहुत झाड़ा, उनको बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक वरिष्ठ वैष्णव की बात में कमी निकाल दी। जीवा गोस्वामी एकदम सकते में आ गए, ये क्या हो गया। और रूपा गोस्वामी ने बोला जीवा गोस्वामी को कि तुम में बहुत अधिक अहंकार है। अहंकार छू के भी नहीं गया था जीवा गोस्वामी को, लेकिन विनम्रता का आदर्श अपने शिष्य के द्वारा स्थापित करने के लिए रूपा गोस्वामी ने बोला तुम बहुत अहंकारी व्यक्ति हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम चले जाओ यहाँ से। जीवा गोस्वामी ने अपनी कोई सफाई प्रस्तुत नहीं की कि मैं तो आपके श्लोक का ही उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। जीवा गोस्वामी ने प्रणाम किया रूपा गोस्वामी को और वहाँ से उठकर चले गए और भूखे प्यासे तपस्या करनी शुरू कर दी। जब सनातन गोस्वामी को पता चला, सनातन गोस्वामी जीवा गोस्वामी को पकड़ कर लेकर आए और उनको एक जगह पर छुपा दिया और सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी बड़े भाई भी हैं, उनके पास अधिकार है रूपा गोस्वामी को डांटने का। तो सनातन गोस्वामी ने बोला देखो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, नाम है रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। ये तीन बातें एक भक्त के जीवन में महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखो तुमने एक इन तीनों में से एक जो नियम है उसका तुम उल्लंघन कर रहे हो, तुम भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के इस संकेत को समझ गए और उन्होंने जीवा गोस्वामी को बुला के स्वीकार किया। इसी तरह से एक बार और एक दिग्विजय पंडित था, वो दिग्विजय पंडित रूपा गोस्वामी के पास आया और उनको बोला कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए।
तो रूपा गोस्वामी ने बोला शास्त्रार्थ करने से क्या होगा? उन्होंने बोला जो जीतेगा वो विजयी कहलाएगा, अगर आप जीतोगे तो मैं आपकी शरण स्वीकार कर लूँगा, मैं आपको लिख के दे दूँगा कि आपने मुझे हरा दिया, लेकिन अगर आप मुझसे हार जाओगे तो ये मेरा एक विजय पत्र है, इसमें अनेक विद्वानों के नाम लिखे हैं, इसमें आप भी अपने हस्ताक्षर कर देना कि आप मुझसे हार गए। रूपा गोस्वामी ने बोला शास्त्रार्थ करने की क्या आवश्यकता है, आपका मुख से तेज चमक रहा है, आप प्लीज़ बताओ मैं कहाँ पर साइन करूँ कि मैं हार चुका हूँ आपसे। रूपा गोस्वामी ने एक क्षण में उनके विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं हार गया हूँ, आप जीत गए हो, आप महान हो, मैं नीच हूँ। वो हस्ताक्षर करके जब वो विजय पंडित बाहर निकला, जीवा गोस्वामी ने पकड़ लिया। जीवा गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरु को तुमने हराने का जो है अपने मन में विचार लाए, और जीवा गोस्वामी ने उनको देखते ही देखते उनको परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। जब रूपा गोस्वामी को पता चला तो रूपा गोस्वामी ने बहुत डांटा जीवा गोस्वामी को दोबारा से। रूपा गोस्वामी ने बोला कि आखिर तुम्हें उसे हराने की जरूरत क्या थी, क्या मैं नहीं हरा सकता था, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको हराने की, तुमने उसको हराने में जो समय व्यर्थ किया वो समय तुम भगवान की सेवा में लग सकते थे। तो रूपा गोस्वामी ने जीवा गोस्वामी के माध्यम से ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई किसी भी तरह का यश महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व लगाना चाहिए। कोई भी किसी अन्य क्रिया में, किसी अन्य प्रयास में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और जीवा गोस्वामी को सेवा में लगाने के लिए रूपा गोस्वामी ने अपने हाथ से श्री दामोदर जी के विग्रह उनको घड़ के दिए और वो दामोदर जी की सेवा करते थे। स्वयं दामोदर भगवान जीवा गोस्वामी के सामने वंशी वादन किया करते थे और जीवा गोस्वामी उसको देखकर बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते थे और जीवा गोस्वामी के हृदय में भगवान की और तीव्र सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती थी। आप सोचोगे कि ये भगवान के विग्रह पत्थर से बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के विग्रह विशेष रूप से दामोदर जी, वृंदावन चंद्र, ये जीवा गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके साथ में आदान प्रदान करते थे, इनके साथ में बात करते थे। हमसे क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे में अभी वो योग्यता नहीं है, लेकिन हरि नाम मंत्र के जप के माध्यम से, भगवान की सेवा में नियोजित होने से हम लोगों को वो दृष्टि और वो कृपा प्राप्त हो जाएगी कि भगवान हमारे साथ में वार्तालाप कर सकते हैं, भगवान हमें साक्षात स्वयं अपने मुख से भगवान हमें निर्देश दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने घर में, इस संसार में आसक्ति को ख़त्म करना पड़ेगा और भगवान के चरणों में अपनी आसक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। रूपा गोस्वामी गौड़िया वैष्णवों की परंपरा में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया कि जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं वो सारे रूपानुगा हैं, वो सारे श्रीला रूपा गोस्वामी के अनुयायी हैं। श्रीला रूपा गोस्वामी के माध्यम से ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु की और श्री श्री राधा दामोदर की हम लोग कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्रीला रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभावों को समझते हैं, इसीलिए ये श्लोक बोला जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम। ये जब हम रूपा गोस्वामी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो आप सब बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूपा कदामयम
ददाति स्व पदांतिकम, कब शिला रूपा गोस्वामी अपने चरण कमल मेरे हृदय में रखेंगे। वो रूपा गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं। कैसे मन के अभीष्ट को जानते हैं, इसका परिणाम हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में भाग लेते थे तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण करते थे, जिसमें जिसका अनुवाद इस प्रकार है कि मैं वही प्रेयसी हूँ, वो वही प्रेमी है, लेकिन अब इस प्रेम में वो आनंद नहीं आ रहा। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं रेवा नदी के किनारे वत्सी वृक्ष के तले जाकर वहीं पर जैसे हम पहले युवावस्था में हम मिला करते थे वैसे ही मिले तो हो सकता है मुझे वो सुख मिल जाए। सिर्फ रामानंद राय के अलावा और कोई भी चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक के तात्पर्य को नहीं समझ सकता था, लेकिन जब रूपा गोस्वामी ने इसको सुना तो उन्होंने इसको इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक श्लोक की रचना की, और उस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि जब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से मिली थी कुरुक्षेत्र में, तो श्रीमती राधा रानी ने बोला कि मैं भी वही प्रेयसी हूँ, कृष्ण भी वही हैं, लेकिन इनके इस राजसी ठाट बाट में मुझे उस सुख का अनुभव नहीं हो रहा। मैं तो आज भी यही चाहती हूँ कि वृंदावन के तट पर स्थित वन के बीच में भगवान कृष्ण अगर अपने गोपाल वेश में आए और वंशीवादन करें तो मुझे उस सुख की अनुभूति दोबारा हो सकती है। और इसी विचार के साथ में सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के रथ को खींच रहे थे वृंदावन ले जाने के लिए, और उसी को हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक पढ़ा तो चैतन्य महाप्रभु विस्मित हो गए, और चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को लेकर चैतन्य महाप्रभु गए रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे भक्तों के बीच में परमानंदपुरी उनके भक्तों के बीच में गए, और चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक पढ़ के सुनाया। सारे भक्त अचंभित रह गए उस श्लोक को पढ़ के, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि किस प्रकार ये कैसा संभव है कि ये जो रूप है रूपा गोस्वामी इसने मेरे मनोभावों को समझ लिया हो। तो रामानंद राय ने बोला कि अगर रूपा गोस्वामी ने आपके मनोभावों को समझ लिया है इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आपने स्वयं रूपा गोस्वामी के हृदय को अपनी कृपा से आविष्टित कर दिया है, आपके कृपा से आविष्ट है रूपा गोस्वामी का हृदय। तो अगर रूपा गोस्वामी जो है अगर इसने आपके हृदय को समझ लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये रूपा गोस्वामी है, ये जीवा गोस्वामी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज के बारे में अगर हम बात करें, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने घर में रह रहे थे सुखपूर्वक। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद आए थे, और उनके पार्षद का जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ने अच्छे से स्वागत नहीं किया था। तो अपने भाई का साथ देने की जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात को स्वीकार किया कि उन वैष्णव के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ये गलत है। सिर्फ इसी बात के कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, और नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न में आके बोला कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ जाकर आप वहाँ पर जो वैष्णव हैं उनका संग करो। तो वृंदावन में आए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवत धाम जा चुके थे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को समझ नहीं आ रहा था कैसे अपना जीवन धारण करूं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए थे गोवर्धन में, जहाँ पर
रघुनाथ दास गोस्वामी रोज चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की वर्णन करते थे, और वहाँ पर सुबह शाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुना था, और रघुनाथ दास गोस्वामी के भगवत धाम जाने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन सभी वैष्णवों ने उनको प्रार्थना की कि आपको चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो क्यों नहीं आप इसके ग्रंथ की रचना करो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि जितने भी वैष्णव थे सबके चरणों की रज अपने सिर पर धारण करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज वृंदावन चंद्र, श्री राधा वृंदावन चंद्र के विग्रह की सेवा भी करते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ के शुरू में वो बोल रहे हैं, जगाई मधाई हैते मुई से पापिष्ट, कि मैं जगाई और मधाई से भी पापी हूँ, पूरी शहर कीट हैते मुई से लगिष्ट, और मैं मल के कीड़े से भी ज्ञा गुजरा हूँ, और अगर प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, अगर आपने अपने मुख से मेरा नाम भी ले लिया आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आपको नरक जाना पड़ेगा, ऐसा भाव इतनी विनम्रता अपने हृदय में लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की, और उसमें पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत और चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र प्रमाणिक रूप से उन्होंने वर्णित किया। तो हम लोग इन स्थानों पर आ रहे हैं, इन स्थानों पर आ रहे हैं हम लोग, क्यों आ रहे हैं इन स्थानों पर, क्योंकि इन स्थानों पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सारे आचार्यों की कृपा से आवेष्टित हैं। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हम यहाँ पर आ रहे हैं शिला जीवा गोस्वामी की कृपा को आमंत्रित करने के लिए, कृपा की गुहार लगाने के लिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा की गुहार लगाने के लिए कि प्लीज़ आप हम पर दया कीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह, आपके जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे थे उसका एक अंश हम भी भगवान की सेवा कर सकें, हम भी आपके माध्यम से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, हम भी भगवान के पार्षद जो हैं, जितने भी भगवान के पार्षद हैं उनकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना जिन भी हम गोस्वामियों के मंदिर में जा रहे हैं, जिन भी हम भगवान के विग्रहों के मंदिरों में हम जा रहे हैं, हमें भगवान के समक्ष जाकर हमें बहुत ही विनीत भाव से ये प्रार्थना करनी चाहिए, और उनकी कृपा को आमंत्रित करना चाहिए, गुहार लगाने चाहिए कि हमारे हृदय जो कि काम वासना से भरे हुए हैं, प्लीज़ आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप हमारे हृदय से काम वासना, हमारे परिवार के प्रति आसक्ति, हृदय ग्रंथि को ख़त्म कर दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा में पूरे मनोयोग से जुड़ सकें। इसको यहीं पे विराम देते हैं, बाकी राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। शिशि राधा दामोदर की, शिशि राधा वृंदावन चंद्र की, शिला जीव गोस्वामी श्रीपाद की, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीपाद की, शिला प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी।